दिवाली है, सब हंसत है, गात है, नाचत है, कूदत है, कोई तो उदास है। यह है भट्टगवार। एम सोल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक रेलवे एसएससी की तैयारी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा की एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में, जिसको आपने बहुत बार अपने क्वेश्चन पेपर में आते हुए देखा होगा इस तरह के प्रश्नों को, लेकिन हो सकता है कि आपको इसकी ट्रिक पता ना हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी ट्रिक पता चल जाएगी और आप इसे 2 सेकंड में बिल्कुल सॉल्व कर देंगे और इस तरह के प्रश्नों में बिल्कुल उलझने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप बस चंद सेकंडों में इसका आंसर पा जाएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इसका प्रोसेस। यदि दिया है कि एक्स की घात 100 यानी एक्स की घात 100 प्लस 1 अपान एक्स की घात 100 इक्वल टू 10, तो एक्स की घात 100 माइनस 1 अपान एक्स की घात 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के, यानी एक्स की घात 100 प्लस 1 बटे एक्स की घात 100 बराबर 10 हो तो एक्स पी घात 100 माइनस 1 बटे एक्स पी घात 100 का मान कितना होगा। इसके लिए आपको बस एक ट्रिक अपनाना है, बस आपको इसका वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, कितना दिया 10। तो आप लिखेंगे इसका मान करड़ी के अंदर 10 का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 4 घटा देंगे, बस आपको इसका आंसर मिल गया। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 4 घटाएंगे आएगा कितना 96, इसका वैल्यू आएगा करड़ी के अंदर 96। आपको लग रहा होगा कि ये इसका आंसर कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में इसका लॉजिक बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, कैसे ये चीज़ आता है, कैसे करड़ी के अंदर 10 के स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं हम। तो इसका लॉजिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि एक्स पे घात एन प्लस 1 बटे एक्स पे घात एन इक्वल टू पी दे दिया हो, यदि एक्स पे घात एन प्लस 1 बटे एक्स पे घात एन इक्वल टू पी दे दिया हो और पूछे एक्स पे घात एन माइनस 1 बटे एक्स पे घात एन का वैल्यू कितना होगा, तो उसे हम लिख देंगे करड़ी के अंदर इस पी का स्क्वायर माइनस 4। ये है इसकी ट्रिक। और इस ट्रिक का निर्माण कैसे हुआ, इस ट्रिक का लॉजिक क्या है, अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मैं अगली वीडियो में इसका लॉजिक कंप्लीट तरीके से बता दूंगा आपको। तो आज इसी तरह का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी तरीके का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यदि एक्स की घात 120 प्लस 1 अपान एक्स की घात 120 दिया हो इक्वल टू दिया हो 15 दिया हो इक्वल टू 15 दिया हो और आपसे पूछा जाए एक्स की घात 120 माइनस 1 अपान एक्स की घात 120 इक्वल टू कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस करड़ी बना देना है, इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसका जो मान 15 दिया हुआ है इस 15 का स्क्वायर लिख देना है और माइनस 4 लिख देना है यहाँ पर। तो उसके बाद 15 का स्क्वायर होगा 225 माइनस 4, यानी करड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा कितना 221, तो इसका मान आएगा 221। एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। यदि दे रखा है एक्स की घात 151 प्लस 1 अपान एक्स की घात 151 बराबर 16 दे दिया, चाहे जितना दे दिया हो, और पूछे एक्स की घात 151 माइनस 1 बटा एक्स की घात 151 का मान कितना होगा, तो बस आपको इसका मान करड़ी बना देना है और ये जो 16 दिया हुआ है प्लस वाले में जो मान दिया हुआ है उसी का वर्ग लगा देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 लिख देंगे इसके अंदर। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 4, तो 256 में से 4 घटाएंगे तो आएगा करड़ी के अंदर कितना 252। तो ये हो गया इसका आंसर। प्रैक्टिस के लिए आप एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक्स पी घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स पी घात 3 इक्वल टू दे दिया अगर 11 और आपसे पूछे एक्स पी घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स पी घात 3 का वैल्यू कितना होगा, तो आप करड़ी के अंदर 11 का स्क्वायर माइनस 4 लिखिए, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 4, तो 121 में से 4 घटाएंगे तो आप आएगा कितना 117। ये हो गया इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी और यदि इसका आप लॉजिक जानना चाहते हैं कि ये ट्रिक्स कैसे बनी, तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ एम सोल्यूशन पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन दबा दें।
अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। दिवाली है, सब हंसत है, गात है, नाचत है, कूदत है, कोई तो उदास है। यह भट्टगवार बाबा, भक्तों के आने का टाइम हो गया, गेट खोल दे बाबा। अरे? कार्डम बाट किया को कनपटी बजा दे दे टोपा होगा एकदम। अरे चप्पल मुंह में बजा दे। अरे Lucky.